हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि सूर्य मित्र एक गवर्नमेंट की योजना है। इस वीडियो के माध्यम से आप सूर्य मित्र के बारे में डिटेल से जानोगे। सूर्य मित्र एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 100% फाइनेंस किया जा रहा है। पैसे वो 100% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, और ये जो स्कीम है सूर्य मित्र इम्प्लीमेंटेड की जा रही है नाइस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, हमारे पूरे हिंदुस्तान के 600 जो ज़िले हैं, जो बड़े बड़े ज़िले हैं, बेशतर ज़िलों में ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब सूर्य मित्र है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। एज हम जानते हैं दोस्तों कि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल पावर से, मतलब कोयले से बनाई जा रही है, जो कि कोयला अगर जलाने से पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो इसलिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है कि 2022 तक के 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए। रिन्यूएबल मतलब जो कि माहौल को नुकसान ना पहुंचाए, जो कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि सोलर एनर्जी है हमारी, विंड एनर्जी है ना, बायोगैस एनर्जी है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी है, पर्यावरण मित्र एनर्जी है। इसके जरिए इस टोटल 175 गीगावाट में 100 गीगावाट टारगेट जो है कि सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाए 2022 तक के, और बाकी का जो है 75 गीगावाट विंड एनर्जी से और अदर रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा। सूर्य मित्र इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि हमारे जो बेरोजगार नौजवान है, हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे पास हमारी 125 बिलियन पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत है। हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है, और उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार नौजवान बहुत है, तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये सूर्य मित्र के जरिए। अब ये सूर्य मित्र क्या है देखेंगे। MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी एक मिनिस्ट्री है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने टारगेट रखा है कि 50,000 यूथ को सूर्य मित्र बनाया जाएगा। सूर्य मित्र एक स्किल्ड मैन पावर है इन सोलर एनर्जी सेक्टर में, कि सोलर एनर्जी को कैसे, आज हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो थर्मल पावर से, यानी कोल से बनाई जा रही है, पानी से बनाई जा रही है। तो एक वक्त आएगा, हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमारी छतों पे सोलर इक्विपमेंट रहेंगे और हम पूरी हमारी घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस करने के काबिल बन जाएंगे। तो इक्विपमेंट को कैसे बनाया जाए, उसे रिपेयर करने के लिए जो टेक्नीशियन लगेंगे, है ना, टेक्नीशियन लगेंगे, जैसे घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगता है, आर्किटेक्चर लगता है, तो इसी तरीके से वो सोलर पैनल बनाने के लिए जो टेक्नीशियन लगेंगे उनको सूर्य मित्र कहा गया है। तो ये ट्रेनिंग दी जाएगी 50,000 नौजवानों को, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा उनको, इन यूथ को, और साथ साथ में हमारा पर्यावरण का मसला भी खत्म हो जाएगा। टारगेट है 50,000 यूथ इन 3 ईयर्स। अभी तक के 3,200 सूर्य मित्र ट्रेन हो चुके हैं एक साल के अंदर, ये फाइनेंशियल ईयर में, और 7,000 आइंदा नेक्स्ट ईयर के टारगेट। उसके बाद टू अचीव एंड मेंटेन द टारगेट, है ना, 100 हमारा 175 गीगावाट हमारा टोटल टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें से 100 गीगावाट जो है ना सोलर एनर्जी से है, हमको 25 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करना ही होगा, है ना। इंडिया रिक्वायर्स अबाउट 6.5 लाख पर्सनल, तो इंडिया को रिक्वायर हो गए 6.5 लाख टेक्नीशियन। तो ये अब इतने सारी मात्रा में कैसे एक साथ ट्रेन किया जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम डिज़ाइन की है। तो हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के जो बड़े बड़े ज़िले हैं वहाँ पर सेंटर कायम किया गया है, सेंटर बनाया गया है। मैं आपको PDF फाइल की लिंक भी दूंगा और PDF फाइल भी बताऊंगा हर राज्यों में उनके कौन से सेंटर हैं, सेंटर नेम, और उन पर्सन से कॉन्टेक्ट, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, हम उनसे कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब ये सूर्य मित्र कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन रहना चाहिए कि कम से कम 10वीं पास रहना चाहिए, है ना, और 10वीं पास प्लस कैंडिडेट के पास ITI, है ना, ITI का इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, या वायरमैन का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स, फिटर या शीट मेटल, है ना, और उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल के ऊपर चलेगा, 18 साल से कम नहीं चलेगा। अब प्रीफरेबल क्वालिफिकेशन ये तो है कम से कम क्वालिफिकेशन, अगर किसी के पास ITI नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट का तो भी चलेगा। तो जो प्रीफरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोर्सेज से डिप्लोमा है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ITI पास हो, कम से कम 10वीं पास हो और आपके पास ITI है, ITI सर्टिफिकेट है, या इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट है, या वायरमैन का सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट हो, है ना, या आप BE हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो, है ना, या कोई BA है, BSc है, बैचलर ऑफ BA पास हो, BSc पास हो, ग्रेजुएट हो एनी फैकल्टी से, तो आप एलिजिबल नहीं हो।
द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड पर्सन विद हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अच्छा, हर एक सेंटर पर, जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर है और हर एक सेंटर पे सिर्फ 30 सीट्स अलॉट है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस रेसिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, जो प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 600 हर्स है, 600 घंटा यानी कि 90 डेज का है। एंड इसमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और ये पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब सबसे पहले कहा था कि पूरा 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पूरे पैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और एट ए टाइम पे हर एक सेंटर पे 30 सीट ही अवेलेबल है। इसका एडमिशन हर एक राज्यों में, मैं भी आपको PDF बताऊंगा, हर एक राज्यों में सीट अलॉटेड है और एक व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, आपको उस सेंटर पर जाना है और आप उस सेंटर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, फी स्ट्रक्चर क्या है? नो फी विल बी चार्ज फ्रॉम द ट्रेनीज। हम अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो, ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको एक पैसा नहीं देना रहेगा, कुछ रिफंड जो कैप्शन उनकी फीस रहेगी वो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिफंड हो जाएगा, है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग भी आपको, यानी सपोज आप किसी गांव में रहती है और आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है वहाँ पे रहने के लिए, खाने के लिए, गवर्नमेंट 300 रुपया पर कैंडिडेट स्टाइपेंड भी देगी, रोज़ का 300 रुपया देगी, यानी कि आपको जो भी फी, जो भी खाने का खर्चा लग रहा है, रेसिडेंशियल और लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा गवर्नमेंट दे रही है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट एक सेंटर पे करीब करीब 300 पर कैंडिडेट 30 डेज इंटू 90 हो जाता है करीब 8,10,000। हर एक सेंटर पे गवर्नमेंट 8,10,000 रुपये खर्चा कर रही है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको फ्री में मिल रहा है कोर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अटेंड नहीं करोगे। आपको सर्टिफिकेट, पास ऑफ सर्टिफिकेट और एग्ज़ाम में, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा जब तक कि आपकी 100% अटेंडेंस हो। और आपको सर्टिफिकेट तो दिया ही नहीं जाएगा जब, अगर आपकी अटेंडेंस 90% से कम है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये देख सकते हो कि 90% अटेंडेंस कंपलसरी है। उसके बाद आ जाता है कि अब ये आपको तो ट्रेनिंग आपको मिल रहा है 300 रुपये रोज़ का 90 दिनों तक के, है ना, इसलिए आपका रहने और खाने का खर्चा हो गया। अब उसके बाद देखिए, जो इंस्टीट्यूट आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो, तो उनको क्या मिल रहा है? उनको गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि डिपार्टमेंट है, उनको ये स्टेट और स्टेट नोडल एजेंसी को, ये उनको गवर्नमेंट क्या दे रही है? 25 रुपया हर एक घंटा। ये आपको एक घंटा, उन्होंने इंस्टीट्यूट ने आपको एक घंटा ट्रेनिंग दी ना, तो गवर्नमेंट उनको एक घंटे का 25 रुपया पर कैंडिडेट दे रही है, यानी 25 into 30 पार्टिसिपेंट। हर एक सेंटर पर 30 कैंडिडेट रहेंगे, है ना, 25 into 30 पार्टिसिपेंट into 600, तो हो जाता है कि एक सेंटर पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को 4,50,000 रुपये, मतलब 4,50,000 रुपये दे रही है। अदर खर्चे हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर चार्जेस हैं, लाइक उनके ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए और असेसमेंट के लिए अलग से 0.25 लाख प्रोवाइड कर रही है। ये दोस्तों ये PDF फाइल है जहाँ पर आपको सेंटर के बारे में डिटेल दी गई है। हर राज्यों में स्पेलिंग वाइज स्टेट है, आंध्र प्रदेश में आप, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग रखते हो तो ये आपको, आप PDF फाइल देख सकते हो लिंक पे क्लिक करके। हर एक सेंटर पे 3 सेंटर आप राज्यों से में सेंटर डिवाइड किए गए हैं, ये हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, है ना, ये महाराष्ट्र, और नाइस के सेंटर है। नाइस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सूर्य मित्र। जैसे कि आप ट्रेनिंग ले लिए, अब आपको जॉब कैसे मिलेगा, इस तरीके से गवर्नमेंट ने कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट किया है। ये मैनेजमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया कि अगर जिसको ज़रूरत है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पे सोलर इक्विपमेंट लगाया जाए, तो मैं इस ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकता हूँ और गवर्नमेंट करीबी रेसिडेंशियल सोलर मित्र को उनके लोकेशन पे भेज के हेल्प करेगी, जिनको चाहिए सर्विस सूर्य मित्र की, तो सोलर इक्विपमेंट वगैरह लगाएंगे और उनको ऐसे रोजगार मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। ZTech चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद।